या तो काकी हो राटो या काकी हो राटा महाराष्ट्र भ्रष्ट सरकार के दिकारा दिकारा महाराष्ट्र भ्रष्ट सरकार के दिकारा दिकारा महाराष्ट्र भ्रष्ट सरकार के दिकारा दिकारा महाराष्ट्र सीमा एकला सिंधे दिकारा 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 महाराष्ट्र भ्रष्ट सरकार के दिकारा दिकारा बेके बेको न्याय बेको बेके बेको न्याय बेको ಎಲ್ಲಿ ವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿ ವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿ ವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿ ವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಬೇಕೆ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಆಜ್ಕೆ ದಿನ ಬಹುತ್ ಶರಂ ಕಿ ದಿನ ಹೈ ಆಜ್ಕಲ್ ಜೋ ಸರ್ಕಾರ ಚಲಾ ರಹೇ ಹೈ ಹಮ್ ಲೋಗೋಂ ಕೋ ಶರಂ ಆತಿ ಹೈ ಏಕ್ ಐಸೆ ಮಹಾನ್ ನೇ ಏಕ್ ಆಫೀಸರ್ जिसके ऊपर जानलेवा हमला होता है तो सरकार क्या कर रही है। महाराष्ट्र सरकार क्या गांजा जो तैयार कर रहे उत्पादन कर रहे हैं उनको सपोर्ट कर रही है? ये नामुमकिन है, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। एक कर्नाटक से हमारे जो श्रीमंत इल्लो जो प्रामाणिक और नेक इंसान पहले मिलिट्री में सेवा करके पुलिस इलाके में आए, जहाँ के यहाँ के लोगों की सेवा करना, यहाँ के गलतियाँ हटा देना बोल के जिन्होंने पुलिस इलाके में आए और यहाँ पर गांजा माफिया बहुत बड़ा माफिया बन गया आजकल। इसके साथ साथ कर्नाटक में महाराष्ट्र में दारू माफिया भी बहुत बड़ा है। ये गांजा माफिया और दारू माफिया के पीछे मिनिस्टर लोगों के और सरकार के हाथ है। अगर सरकार के हाथ नहीं होती तो वो लोगों का हिम्मत क्या होता कि एक ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाना। आज हमारे जो श्रीमान तिल्ला साहब है आज भी उनका जीवन जिंदगी खतरे में है। ऐसी बड़ी प्रमाण में हल्ला हो गए तो महाराष्ट्र सरकार क्या किया आज तक? जो महाराष्ट्र सरकार का होम मिनिस्टर, आपका रिएक्शन क्या है कि गांजा बिकने वाले पुलिस अफसर के ऊपर हमला करते जानलेवा तो आपका रिएक्शन कुछ भी नहीं है, तो आपके भी हाथ है। इसलिए अभी हम महाराष्ट्र सरकार के जो सीएम है, अरे वो एकनाथ शिंदे साहब, तुमच्या महाराष्ट्र मध्ये एवढा प्रमाण गांजा पिकते तुम्ही काय नाही करते? आणि देख ऑफिसर वर एवढा मोठा हमला केले तुमचे आवाज नाही, तुमचे सरकार मजबूत है नाही, तुमचे सरकार मध्ये दम नाही। एकनाथ शिंदे साहब, तुमचे सरकार मध्ये काही दम नाही, तुमच्या महाराष्ट्र मध्ये एवढं प्रमाण गांजा येते, एवढं प्रमाण मध्ये हमला करते, तुमच्या सरकार मध्ये काही दम नाही। हे जे प्रमाण हल्ला केलेला आहे, जो तुमच्या महाराष्ट्र मध्ये गांजा तयार पिकले त्यांच्या ऊपर कडीचे कडी जल्द से जल्द अरेस्ट किए। इतना बड़ा हमला होने के बाद भी आपके सरकार ने एफआईआर नहीं दर्ज किया, आपके पुलिस इलाके में एफआईआर नहीं हुआ, जो आरोपी को नहीं पकड़े, तो इसके पीछे कोई मामूली हाथ नहीं है, ये बड़ा हाथ है, सरकार का भी हाथ है, हम बोलना इसमें सही लग रहा है। इसलिए ये प्रकरण, ये जो हमला किए, ये पूरा पर्दा पार होना बोले तो सीबीआई में ये इंक्वायरी के लिए देना चाहिए। हम लोगों की आग्रह है जल्द से जल्द ये केस सीबीआई को रेफर कीजिए और कौन कौन इसके पीछे है सबको बाहर लाइए। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में गांजा माफिया और दारू माफिया
ऐसे बड़े बड़े माफिया है, ये सब बंद कीजिए। ये सरकार आजकल तुम लोग ऐसे इन लोगों को सपोर्ट कर रहे बोल के, ये लोग तुम्हारे हाथ है बोल के, ये लोग बिंदास ऐसा हल्ले कर रहे बोल के, हम आपके ऊपर जुल्म देते हुए मेरा एक यहाँ पर बोलने के लिए दोष दिया, अवकाश करके दिया आप लोग सब लोगों को, मेरा धन्यवाद। आज जो हमारा कर्नाटक राज्य से एक धैर्यवान बुद्धिवान विद्यावान ऐसा एक आदमी पुलिस अफसर हमारा गुलबर्गा कमलापुर में काम करते थे। पहले हमारा गुलबर्ग में काम करे, गयाबाग में और जोरग में काम करे, ये मिलिट्री से काम करके आया सा आदमी है। ये भारत देश के अभिमान और देश के अभिमान इसके दिल में बहुत रहता, वो वही उनको आज वहाँ तक ले गए। जो कर्नाटक में गांजा का माफिया चल रहा था, ये हमारे गुलबर्ग में ज़्यादा ज़्यादा गांजा घुस के आके ये लोगों को खराब कर रहा था, इसके वजह से श्रीमान तिलाल साहब के सामने ये खत आया कि इधर महाराष्ट्र से और कर्नाटक बॉर्डर से ज़्यादा गांजा माफिया लोग इधर भेज रहे हैं, इसको कम करना, इसको ख़त्म करना, इसको बंद करना बोल के श्रीमान तिलाल साहब ने उनके साथियों को ले के महाराष्ट्र के बॉर्डर में मंठाल के गांव के इनके ऊपर हमला किया। 30-40 लोग राड से मारे, ये फुफ्फुस के डैमेज हो गए, सिर को भी मारे हैं, हाथ को भी मारे हैं, ये मरे बोल के छोड़ के गए सो है। रात में 8:30 बजे हमला हो गए, 3 बजे इधर आके एडमिट करते और उनके साथ गए से लोगों को किसके भी ऊपर हल्ला नहीं हुआ, किसकी भी एक 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 बूंद भी नहीं गिरी उसकी, किसके ऊपर भी क्या भी नहीं हुआ। ये लोग कहाँ गए थे, ये भाग्य गए थे क्या, इसके ऊपर बहुत ये है, इसलिए ये सीबीआई को देना बोल के हमारे लोगों का वक्तव्य है। इसके पीछे बहुत षड्यंत्र है, ये गांजा माफिया बंद करना, गांजा माफिया महाराष्ट्र में इतना है बोले तो इसको एकदम खत्म करना, ये गांजा माफिया बंद करना बोले तो वहाँ के महाराष्ट्र सरकार और कर्नाटक दोनों सरकार, ये कौन इसके ऊपर हमला किया, उस लोगों को अरेस्ट करना, कितना गांजा ये है उसको हैंड ओवर करना, उसके ऊपर केस करना, ये जो है ना कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार दोनों मिलके करने का है, इसके हमारे वक्तव्य है जल्दी से जल्द इनके ऊपर हमले करे सो लोगों को अरेस्ट करना या और ये केस सीबीआई को देना और हमारे श्रीमान तिलाल साहब को जो अच्छा चिकित्सा से बेंगलुरु को ले गए इसमें वहाँ गवर्नमेंट वाले अब तो साथ में दे रहे, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा उनको उनके ऊपर निगाह रख के भगवान के आशीर्वाद से उन्होंने जल्दी होशियार होकर आना बोल के हम सब लोगों भगवान के सामने विनती करते हैं और उतना ही ये महाराष्ट्र के लोगों को महाराष्ट्र के सरकार के ऊपर हम दिखा रहे हैं। क्यों बोले तो एक आदमी ये गांजा माफिया रोकने के वास्ते वहाँ तक बॉर्डर में गए तो भी उनके पुलिस वाले आके सपोर्ट नहीं करे, फिर गांव वाले इनके ऊपर हमला करे, इसलिए वो लोगों को अरेस्ट करना, ये सीबीआई को हैंड ओवर करना बोल के हमारा